अलनवाद उपचुनाव पर बोले बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, कहा अभय चौटाला की जीत का अंतर घटा। किसानों के मुद्दे का अभय को नहीं मिला कोई भी लाभ। वहीं कांग्रेस की हार की वजह सही नेता का अभाव है। साथ ही उन्होंने कहा कुमारी सैलजा का कोई भी जनाधार नहीं है। तो अलनाबाद उपचुनाव पर बोलते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि जहां से कांग्रेस चली गई वहां दोबारा नहीं आई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह सही लीडरशिप का नहीं होना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा का कोई भी जनाधार नहीं है, वहां जो कुछ है हुड्डा का है। साथ ही अभय पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अभय की जीत का अंतर घटा है, इसका मतलब है कि जिस मुद्दे पर अभय ने इस्तीफा दिया था उसका कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिला। फाइट तो बीजेपी में और आईएनएलडी में रही। वैसे मेरा ये मानना है कि आईएनएलडी पहले 12,500 से जीत के आए थे जनरल इलेक्शन में, और हम समझते थे कि बड़ा एक वातावरण बनाया गया था कि गांव में जाने नहीं देंगे, ट्राली है, किसान का आंदोलन है, ये सारी बातें देखें। अगर इन बातों को हम काउंटर फॉर करें तो 6,500 पहले से मार्जिन 6,000 मार्जिन कम हुआ, 6,500 से जीता आ गए तो एक तो मार्जिन कम हुआ है। फिर जो इश्यू पे रिजाइन करके गए थे उसका भी लोगों में ज्यादा लाभ नहीं, तो अगर वो वाकई इश्यू था लोगों में था तो फिर तो मार्जिन एक तरफ आता, 40,000 से लीड होती। हरियाणा में मुझे ये लग रहा है क्योंकि एक तो लीडरशिप नहीं है, सैलजा का मामला कुछ है नहीं लोगों में, मतलब ऐसे ऐसे आदमियों को बना दिया। मेरे ख्याल में कहीं कोई किसी गांव में जाए तो 10 लोग इकट्ठे नहीं होते, प्रेजिडेंट बना दिया, खानापूरी की बात है। वहां जो कुछ था हुड्डा का था, और अब हुड्डा को काटने के बाद सैलजा को मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में कोई बात बनेगी। सैलजा का ही मैं ये कह रहा हूं, इसका बनना ही पुअर परफॉर्मेंस रहा। तो अलनाबाद उपचुनाव पर बोलते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि जहां से कांग्रेस चली गई है वहां अब दोबारा नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने अभय चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जीत का अंतर घटा है, इसका मतलब है कि जिस मुद्दे पर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था उसका उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला है। और रणजीत सिंह चौटाला ने कहा हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह सही लीडरशिप का नहीं होना है, और अब कुमारी सैलजा का कोई भी जनाधार नहीं है, वहां जो कुछ भी है वो हुड्डा का है, हुड्डा को काटने के बाद मैं नहीं समझता कांग्रेस की बात बनेगी। तो सीधा सीधा हमला बोला है रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस और इनेलो पर।